महंगाई का सुनामी आने को तैयार, लाहौरिये हो जाएं होशियार। अशियाई खुरनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा, दालें, सब्जियां, दूध, दही, मटन, बीफ और चिकन सब महंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भी अरसाल कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल कैसर, इमरान मलिक और रजा ताहिर। सबसे पहले रुख करेंगे सुहेल कैसर का, जो रेलवे शेड मार्केट में मौजूद है। सुहेल, बताइएगा सब्जियाँ और फल महंगे होने जा रहे हैं? होने जा नहीं रहे जी, बल्कि हो चुके हैं कि कुछ शायद खुरदनोश की कीमतों में तो सरकारी तौर पर इजाफा कर दिया गया ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से। मटन, बीफ, दूध, दही, ये सब महंगा, और दूसरी तरफ जो सब्जियां हैं उनके निरखों को भी पर लग चुके हैं, और अब तो शायद वो बग़ैर परों के ही इतनी बुलंद परवाज पर जा चुकी हैं कि बहुत सारे लोगों की दस्तरस से बहुत सारी सब्जियाँ जो हैं वो उनकी बसात से बाहर हो चुकी हैं। जिस तरह इस वक्त हम इंजन शेड मार्केट में मौजूद हैं, लाहौर की बहुत ही मशहूर मार्केट, यहाँ पर ना सिर्फ परचून की अशिया का कारोबार होता है बल्कि सब्जियाँ बड़ी तादाद में, बड़ी मकदार में, और फिर फल जो है वो भी यहाँ पर फरोख्त होते हैं। और यहाँ पर हमें कस्टमर्स की आमद तो दिखाई दे रही है। जाहिर है कि अब जो सब्जियाँ हैं वो तो हर घर की रोज़मर्रा की ज़रूरत है, वो तो किसी भी तौर ख़रीदनी होती हैं चाहे उनकी कीमतें कितनी ही क्यों बुलंद ना हो जाएँ। लेकिन इसके साथ साथ जो गुस्सा है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह ये है कि पहले गैस के निरखों में इजाफा किया गया, फिर बिजली की कीमतें बढ़ाई गई, आजकल में पेट्रोल के निरख भी बढ़ने वाले हैं। लेकिन उनसे पहले ही जो महंगाई का सुनामी है वो लोगों को बेबस किए दे रहा है, जिसको कहते हैं ना कि मरे को मारे शाह मदार वाला मामला है। तो यहाँ भी ये सूरत हाल है, और जितनी ये सब्जियाँ हैं इनमें 2-4-5 रुपए किलो का इजाफा हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो इजाफा है वो अदरक की कीमतों में सामने आया है, जो तकरीबन 196 रुपए फी किलो तक पहुँच गई हैं। और अगर 4 रुपए फी किलो इसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है तो फिर ये डबल सेंचुरी अपनी पूरी करने में कामयाब हो जाएगी। कुछ कस्टमर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। इनसे थोड़े ये एक साहब आ रहे हैं कुशां कुछ खरीदारी करने के लिए। बताइएगा ये जो जिस तरह से सब्जियों वगैरह की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इससे कुवत खरीद में तो काफ़ी कम हुई होगी कस्टमर्स की? मेरा तल्लक रेलवे से ही है, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ यूनियन का। मजदूर भी पूछते हैं कि महंगाई हो रही है, हर चीज़ ऊपर जा रही है, लेकिन जब तक मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट जो है काबज़ नहीं हो जाती इक्तदार पर, जो नीचे जो लोग हैं वो PTI से समझौता नहीं कर रहे। अब दोनों की लड़ाई में कौम जो है वो फिस रही है। नीचे का ताजर जो है उसको चाहिए, बल्दिया का मामला है, महंगाई का जी ये थोड़ी सी आपने गुफ्तगू सुन ली, ये मामला है जी, ये कस्टमर्स के ख्यालात हैं और ये सिलसिला अभी थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा जी। अच्छा सुहेल कैसर हमारे